नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MNP नॉलेज स्कूल में। LIC का जीवन शांति लाइफ टाइम गारंटीड सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है। अभी कुछ ही दिनों पहले इस प्लान के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो रिवाइज हुए हैं। क्या रेट्स हैं ये भी हम बताएंगे, साथ ही साथ इस प्लान के ऐसे क्या अद्भुत फ़ायदे हैं, कुछ टॉप के जो 10 फायदे हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें और जानें जीवन शांति के अद्भुत फायदे। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हम जब भी नया वीडियो लेकर आएँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। जीवन शांति LIC की एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ये अधिकार है, आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको पेंशन किस उम्र से कितना चाहिए। ठीक है, इस योजना का टेबल नंबर 850 है और इसके कुछ अद्भुत फायदे के बारे में हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। 10 अद्भुत फायदे। सबसे पहला, देखिए, जो एज ग्रुप है जो ये प्लान ले सकता है वो 30 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति ले सकता है। 30 वर्ष के आप युवा हों, 80 के हों, 85 के हों, 90 के हों, तो भी आप ये पेंशन प्लान ले सकते हैं और जब चाहे तब आप पेंशन स्टार्ट भी कर सकते हैं। जब चाहे तब स्टार्ट करने का मतलब ये है, आप चाहे तो तुरंत पेंशन लीजिए और चाहे तो कुछ सालों के बाद लीजिए। ये इसका दूसरा फायदा है, यानी कि इसमें जिस एज में जिस टाइम पे आप पेंशन लेना चाहते हैं आप उस समय पेंशन शुरू कर सकते हैं। जितनी देर में आप पेंशन शुरू करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप अगले महीने से पेंशन चाहते हैं आपको अगले महीने से पेंशन मिल जाएगा, अगर आप एक साल बाद चाहते हैं तो आपको एक साल बाद पेंशन मिल जाएगा, दो साल बाद चाहते हैं दो साल बाद पेंशन मिल जाएगा। ऐसा करते करते अगर आप 20 साल के बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, अगर अभी आप यंग हैं, आप 30-35 साल के और आप चाहते हैं कि 50-55 की एज में आपको पेंशन मिलना शुरू हो, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। फिर बोलूँगा, जितना लंबे समय के बाद आप पेंशन लेंगे उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पेंशन शुरू करने के लिए जो तीसरा फायदा है, 1.5 लाख रुपए आपको कम से कम जमा करना पड़ेगा। आप 1.5 लाख रुपए जमा करके गारंटीड पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। चौथा फीचर है कि इसमें 1,000 रुपए महीना कम से कम आपको पेंशन मिलेगा। इस योजना में ये खूबी है कि 1,000 रुपए महीना से कम आपका पेंशन न बने, यानी कि साल में अगर आप पेंशन लेते हैं तो 12,000 रुपए पर ईयर आपको पेंशन जरूर मिले। पांचवा है, इसके रेट्स रिवाइज हुए हैं, पेंशन के क्या रेट हैं। तो इस फिगर में आपको मैं दो एग्जांपल के साथ बता देता हूं। अगर आप सिंगल प्रीमियम, अगर आपने जैसे 10 लाख रुपए जमा किया और अपने लाइफ पे लिया, 5 साल के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.84% है, 10 साल के बाद 10.94% है, 15 साल के बाद 15% है और 20 साल के बाद 16.5% करीब है। यानी इस रेट पे आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी उम्र 50 साल है, इस एग्जांपल में 10 लाख रुपए आपने जमा किया और 5 साल के बाद आप चाहते हैं पेंशन शुरू हो, तो 7.84% के हिसाब से आपको पेंशन 5वें साल के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, जब तक आपकी लाइफ रहेगी। अगर 10 साल के बाद शुरू करना चाहते हैं तो 10.94% यानी कि 1,09,000 करीब आपको पर ईयर मिलेगा। अगर 15 साल के बाद शुरू करना चाहते हैं तो करीब 15% के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपए पर ईयर पेंशन मिलेगा। यानी आप 50 साल के अभी हैं, 60 साल की एज में आपका पेंशन शुरू हो जाएगा। और अगर आप 20 साल के बाद पेंशन लेना चाहते हैं तो 16.38% यानी कि 1,63,800 रुपये आपको अगले 20 साल के बाद शुरू होगा और जब तक आपको पेंशन मिलता रहेगा, जब तक आपकी लाइफ रहेगी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप अपने साथ किसी अपने फैमिली मेंबर को जोड़ते हैं, किसको जोड़ सकते हैं आगे आपको स्लाइड में पता चलेगी। आपकी उम्र 60 वर्ष है और दूसरा व्यक्ति 30 साल का है और 10 लाख रुपए आप यहाँ भी दे रहे हैं, तो आपको 5 साल के बाद 7.51%, 10 साल के बाद 10.24%, 15 साल के बाद 14% और 20 साल के बाद 18.70% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पहले आपको मिलेगा जब तक आपकी लाइफ है, जब आपकी लाइफ नहीं रहेगी तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको मिलेगा और जब उसकी भी लाइफ नहीं रहेगी तो तीसरा व्यक्ति जो नॉमिनी होगा उसको LIC इस अमाउंट में से 10% ऐड करके वापस कर देगी। तो ये पेंशन का रेट है।
छठवां फीचर है बाजार के उतार चढ़ाव और बैंकों के ब्याज दर कम होने का कोई भी असर नहीं। देखिए वर्तमान में इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है और हर व्यक्ति को ये टेंशन है कि आज जिस रेट पे वो कोई चीज़ खरीद रहे हैं क्या वो हमेशा रहेगी। देखिए जिस हिसाब से बैंक के रेट्स कम हुए हैं, जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस हैं, उसमें जीवन शांति एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जिस रेट पे आज आप ख़रीदते हैं वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पेंशन आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। और अगर आप अपने साथ अपने किसी फैमिली मेम्बर को जोड़ते हैं तो उसको भी वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, उसने 10 लाख 5 लाख रुपए जमा कर दिया और उसने इमीडिएट पेंशन शुरू कर दिया मान लीजिए अगले महीने से, तो जिस रेट पे उसको आज मिल रहा है वही उसको 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद भी मिलेगा। और जिस हिसाब से बैंक के एफडी के रेट्स आप देख रहे होंगे 6.5-6.5% हो गए हैं हाल फिलहाल के सालों में, कम हुआ है तो आगे और कम होगा जैसी उम्मीद जताई जा रही है, तो जीवन शांति एक अच्छा ऑप्शन ज़रूर है। सातवां, मन में आपके ये भी होगा अगर तुरंत पेंशन लिया इमीडिएट पेंशन लिया तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 5.55% अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको पेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट की गारंटी है, यानी 10 लाख रुपए जमा किया तो 55,500 रुपये पर ईयर आपको हर साल मिलना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो 5.58% यानी 10 लाख रुपये जमा करके 55,800 रुपये हर साल पेंशन जब तक आपकी लाइफ है तब तक मिलता रहेगा। किसको आप जोड़ सकते हैं अपने साथ जॉइंट लाइफ में, अपने जीवन साथी को यानी पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को, बेटा बेटी को, भाई बहन को, अपने माता पिता को भी आप साथ में जोड़कर पेंशन की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति खुद भी पेंशन ले सकता है, साथ में इन लोगों को जोड़ सकता है। फ़ायदा ये होगा कि व्यक्ति के ना रहने पे जिस व्यक्ति को आपने दूसरे व्यक्ति को जोड़ा है अपने साथ उसको भी वही सेम पेंशन मिलता रहेगा। शर्त क्या है, जिसको आप जोड़ेंगे अपने साथ उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष जरूर होनी चाहिए, यानी जॉइंट लाइफ में दूसरे व्यक्ति की भी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। पहले एक व्यक्ति को पेंशन मिलेगा, फिर दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलेगा और दूसरे के ना रहने पे तीसरे व्यक्ति को जो अमाउंट आपने जमा किया है उसमें 10% ऐड करके, एग्जांपल में जैसे आपने 10 लाख रुपए जमा किया है तो 11 लाख रुपए ऐड मतलब टोटल जो है आपके थर्ड पर्सन यानी नॉमिनी को मिल जाएगा। नौवां फीचर यही है कि मृत्यु के बाद नॉमिनी को 10% जोड़कर पूरा पैसा वापस, यानी कि जितना भी पैसा आपने इस योजना में लगाया है पेंशन पाने के लिए आपके ना रहने पे नॉमिनी को LIC 10% ऐड करके वापस कर देगी। साथ ही साथ अगर आपने जो अमाउंट दिया है आपको अर्जेंट पैसे की नीड है तो आप लोन भी ले सकते हैं उस अमाउंट पे, और चाहे तो उसको बंद करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पैसा अगर आप निकालते हैं सरेंडर करके तो हो सकता है कि आप जितना अमाउंट दिए हों उससे आपको कम मिले, क्योंकि आप चूँकि लाइफ टाइम आप पेंशन प्लान में पैसा लगाए थे, तो ये भी ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि सरेंडर से बेटर ऑप्शन लोन है, जिससे आपका पेंशन भी चलता रहे और आपका जो इमीडिएट जो आपकी नीड थी वो भी पूरी हो जाए। ठीक है, दसवां पॉइंट है 80C में छूट। आयकर की एक धारा है, इनकम टैक्स की एक सेक्शन है 80C, जिसमें आपको 1.5 लाख तक का रिबेट मिलता है, आपकी टैक्सेबल इनकम से 1.5 लाख रुपए तक माइनस हो सकता है। जो सिंगल प्रीमियम आप LIC में इस प्लान में देंगे 80C के तहत आपको जो भी रूल है इस पर इनकम टैक्स का उस हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। तो साथियों ये था जीवन शांति में हुए बदलाव और साथ साथ जीवन शांति के 10 महत्वपूर्ण फीचर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इसको ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे ऐसे आपको वीडियोज़ और मिलते रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कोई भी टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।